हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टूर विद राकेश पर। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य बिहार को। ये राज्य खास इसलिए है क्योंकि भारत का निर्माण करने में इस राज्य के लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। देश के किसी भी कोने में कोई सड़क बनी हो या कोई पुल बना हो, कोई आसमान छूती इमारत बनी हो या फिर कोई घर बना हो, बहुत ज्यादा चांसेज है कि उस चीज को बनाने में किसी बिहारी का हाथ जरूर होता है। ये राज्य भारत के उत्तर में मौजूद है। इस राज्य की सीमाएं झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश और हमारे पड़ोसी देश नेपाल से लगती है। ये राज्य 94,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो इसे देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य बनाता है। इस राज्य में 38 जिले मौजूद हैं और पटना शहर इस राज्य का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, पटना शहर पर हमने पहले भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बैक टू द पॉइंट, जैसा कि हमने बताया कि ये राज्य क्षेत्रफल के मामले में भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य की जनसंख्या करीब 10 करोड़ 50 लाख के आसपास है। अगर इसके क्षेत्रफल से जनसंख्या का अनुपात निकाला जाए तो इस राज्य में करीब 11,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इस राज्य में भोजपुरी, मैथिली, संथाली, मगधी, हिंदी और उर्दू भाषाएं बोली जाती है। हिंदी और उर्दू इस राज्य की आधिकारिक भाषा है। वहीं ये राज्य महिलाओं के मामले में भी काफी ज्यादा खास है, क्योंकि यहाँ का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाओं का है, जो बाकी राज्यों के मुकाबले काफी अच्छा है। राज्य की 68% जनसंख्या पढ़ी लिखी है। आज के समय बिहार की 20% जनसंख्या शहरों में रहती है। इसका एक बड़ा कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का ना मिलना है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बिहार के अलावा भारत के कोने कोने तक और विदेशों में भी पहुँच चुके हैं। बिहार की जनसंख्या में 58% लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। इस आधार पर बिहार को युवा राज्य भी कहा जा सकता है। बिहार के लोग देश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्राइमरी सेक्टर में काम हो या बड़े अधिकारी पदों के लिए अधिकारियों की तलाश हो, बिहार वो भूमि है जहाँ की मिट्टी से हर तरह के लालों को जन्म मिलता है। आज ही नहीं, बिहार में हजारों सालों से बिहार पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और एजुकेशन का हब रहा है। चंद्रगुप्त के समय से इस राज्य का इतिहास चला आ रहा है। दुनिया में फैला महान दर्शन बौद्ध दर्शन भी इस राज्य में काफी ज्यादा फैला हुआ है। एक समय में बिहार दुनिया भर के लोगों के लिए शिक्षा का केंद्र माना जाता था। आज के समय बिहार को भारत के पिछड़े राज्यों में जरूर गिना जाता है, लेकिन यही बिहार देश की इकोनॉमी के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण बना हुआ है। बिहार में पाइराइट के 95% रिसोर्सेज मौजूद है। कुछ ही महीनों पहले बिहार के जमुई में सोने की खदान भी मिली थी, जो भारत के गोल्ड रिजर्व का 44% है। 2013-14 में बिहार की GDP 3600 बिलियन भारतीय रुपयों के आसपास हुआ करती थी, जिसमें 22% एग्रीकल्चर, 5% इंडस्ट्रीज और बाकी का हिस्सा सर्विस सेक्टर से बिहार को पैसे देता है। इस राज्य की जनसंख्या में 80% लोग एग्रीकल्चर से जुड़ा काम करते हैं। बिहार भारत का चौथा सबसे बड़ा सब्जियां उगाने वाला और 8वां सबसे बड़ा फल उगाने वाला राज्य है। बिहार के बेगूसराय में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज मौजूद है, जिस वजह से इसे बिहार की इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहा जा सकता है। इसके अलावा भी बिहार के काफी इलाकों में इंडस्ट्रियां मौजूद है। इसके अलावा पटना ही एक ऐसा शहर है जिसका पर कैपिटल GDP बिहार के दूसरे इलाकों से ज्यादा है। इसके साथ ही बिहार भोजपुरी गाने और फिल्म के लिए भी पॉपुलर है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आज के समय काफी फिल्में बनाई गई है, जो देश भर के लोगों द्वारा देखी जाती है। हालांकि इंटरनेट की तेजी के बाद भारत के पिछड़े इलाकों में भी इंटरनेट से जुड़ी और मनोरंजन से जुड़ी इंडस्ट्रियों को काफी ग्रो होते देखा गया है। बिहार के गानों और फिल्मों वाले इंडस्ट्री के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसके अलावा बिहार का ट्रेवल इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिल्ली, कोलकाता के बीच होने की वजह से ठीक ठाक है। इस राज्य में 3 एयरपोर्ट मौजूद है, जिनमें दरभंगा, गया और एक बिहार की राजधानी पटना में मौजूद है। इस राज्य में रेल का जाल भी काफी अच्छा बिछा हुआ है। BSRTC बिहार में रोडवेज बसों का संचालन करता है। पटना बिहार का पहला ऐसा शहर होगा जहाँ पर मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। आज के समय तक इस मेट्रो का काम चल रहा है। 31 किलोमीटर लंबी यह रैपिड ट्रांसपोर्ट लाइन पटना के ट्रैफिक को कम करने में मदद करेगी। तो दोस्तों, ये था बिहार। अगर आप बिहार के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।